हाय दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने CHO की एक लिस्ट जारी की दोस्तों, जो कि अभी रिसेंटली है। और अभी आपको सबसे पहले वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला नए नोटिफिकेशन हमसे आपको मिल सके। और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आवश्यक सूचना, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे पहले भी, जो कि है हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ 6 माह का कोर्स जो कराया जाएगा दोस्तों, जिसकी एग्ज़ाम हुई थी 27/6/21 में और रिजल्ट आया था उसका दोस्तों 11 जुलाई को। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है, नई लिस्ट जो जारी की गई दोस्तों। यहाँ पे देखिए 113 अभ्यर्थियों को फिर से चयनित किया गया दोस्तों, और जिनको कि ज्वाइन करना है 30, 31 और 2 अगस्त को ज्वाइन करना दोस्तों, और 10 बजे से लेके आप शाम 5 बजे तक आपके दिए गए एड्रेस में, जिस भी कॉलेज में दिया गया है उस कॉलेज में आपको जाना रहेगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेना रहेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो प्रवेश के समय आपको 15,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है स्टेट हेल्थ सोसाइटी भोपाल के नाम बनवा के ले जाना रहेगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे तो ज़रूर रेडी करके रखें। और यदि आपका नाम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दे दोस्तों को, जिससे वो जाके तुरंत ही एडमिशन लें और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकें। अब प्रवेश के पश्चात दोस्तों जो यहाँ पे क्या दिया गया है, दिनांक के 2 अगस्त 2021 को शाम 5 बजे के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश हेतु संलग्न सूची में आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेंटर में कोई भी परिवर्तन और स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात की गई है कि यदि आपको सेंटर कहीं भी मिला है, आप मध्य प्रदेश के किसी भी सेंटर में मिला है तो आपको चेंज नहीं किया जाएगा, आपको वहीं जा कर के आपको पढ़ना है और आपका सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या और जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट तो सेम आप पढ़ ही लिए होंगे, BSc नर्सिंग, PVBSc और 10वीं 12वीं उत्तीर्ण सूची, नर्सिंग और आयुर्वेद का जो भी आपका प्रमाण पत्र है यदि आप डॉक्टर के तौर पर एग्जाम दिए थे, और 500 रुपये में स्टाम्प पेपर राशि में 2,00,000 रुपये का बॉन्ड बनवाना है दोस्तों, जिसमें 6 माह कंप्लीट करने के बाद आपको 3 साल तक के जिस भी विलेज में गांव में आपको कार्य दिया जाएगा वहां आपको करना रहेगा और आपको वहां पे अपनी ज्वाइनिंग दे के ड्यूटी देनी रहेगी। और मूल निवासी प्रमाण पत्र के तौर पर आपको होना चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पे आपको MBBS का चिकित्सक प्रमाण पत्र का बना हुआ होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको अनुभव प्रमाण पत्र, जो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो ले जाना रहेगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ परीक्षा में चयन अंक सूची में प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छाया प्रति भी ले जानी रहेगी साथ में। और किसी भी प्रमाण पत्र की कमी के उपस्थिति में उम्मीदवार को अपात्र कर दिया जाएगा और प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। अब तो आगे देख लेते हैं दोस्तों और क्या बताया गया है। जैसा कि आप देख चुके होंगे जो सेंटर आपको दिया गया है कहां कहां दिया गया है, एक तो उज्जैन कॉलेज दिया गया है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उज्जैन है, दूसरा है दतिया, तीसरा सिवनी, चौथा ग्वालियर, पांचवा जबलपुर, छठवा जबलपुर, सातवा है इंदौर, आठवा है जबलपुर, नौवा है भोपाल, और उसके अलावा दोस्तों बस 9 कॉलेज दिए गए हैं। और ये वाला जो फॉर्म रहेगा इसको पूरा आप फिलअप करके आपको ले जाना रहेगा। इसके अलावा आप देख लेते हैं लिस्ट दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट जो दी गई है जून नवंबर अलाटमेंट सीट में 113 वेटिंग लिस्ट, ये वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। अब ये आगे क्या होगा अभी मुझे आइडिया नहीं है, यदि आइडिया होगा ज़रूर आपको बताएंगे। यहाँ पे ज़रूर 113 वेटिंग लिस्ट दी गई है। अब दोस्तों वेटिंग लिस्ट के अलावा आप यहाँ पे नाम जो दिया गया है, पहला नाम है रजत कुमार शर्मा का, दूसरा है
रत्नेश कुमार शुक्ला का, तीसरा है फरहुद्दीन कुरैशी का, चौथा है अनुज सिंह परमार का। इस तरह से दोस्तों नाम सभी का दिया गया है, आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं आपका नाम, इसको वीडियो को जूम करके आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका नाम यहाँ दिख जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों टोटल 113 लोगों का नाम दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे और देख सकते हैं दोस्तों, जो एसटी वालों का है 57.8 तक लिया है, और ओबीसी में जो है 72, 71, 70, फिर उसके बाद जो ओबीसी का 79, ये रैंक के ऊपर भी है दोस्तों। ओपन और यहाँ पे जो है दोस्तों फाइनल सिलेक्शन ओबीसी वुमेन जबलपुर अलॉटमेंट है ओबीसी का, और 1, 2, 3 यहाँ तीन नाम विकलांग में लिया गया है, जिनका रैंक 52.8 ही लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।